ऊपर ले जाया जा रहा है, ये देख सकते हैं इस कलश को। हाय गाइस, एक नए ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। मेरे चैनल प्लीज यूज हेलमेट में मैं भी एक मंदिर आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं आज आपको लेके जा रहा हूं राजनांदगांव। राजनांदगांव में एक फेमस मंदिर है, पाताल भैरवी माता जी का मंदिर है। और जो मंदिर है उस मंदिर को शिवलिंग के आकार में बनाया गया है। शंकर भगवान जी को जो शिवलिंग होता है उसके आकार में बनाया गया है, तो उसी का आज महाअभिषेक होने वाला है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं, महाअभिषेक दिखाते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमारे ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं माहौल पूरा, कितने सारी पब्लिक आई हुई यहाँ पे महाअभिषेक देखने। पैताल भैरवी माता जी का जो मंदिर है वहाँ पे जो मंदिर शिवलिंग के आकार में बनाया गया है, तो उसी का आज यहाँ पे महाअभिषेक होने वाला है। ये सेकेंड ईयर है, पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल 2023 में भी हुआ था, इस बार 2024 में भी हो रहा है। ये दूसरा साल है यहाँ पे जो महाअभिषेक हो रहा है। अब अंदर चलते हैं, आपको अंदर दिखाते हैं कैसा माहौल है। लाइटिंग वाइटिंग की बात की जाए तो उतना ज़्यादा यहाँ पे लाइटिंग नहीं है रास्तों में। वहाँ पे चलते हैं मंदिर के पास और वहाँ पे आपको दिखाते हैं लाइटिंग कैसी की गई है। और डीजे वीजे तो वहाँ पर बज ही रहा है, गाने वाने कूद रहे हैं। माहौल तो आप देख सकते हैं भाई, क्या माहौल है, कितनी सारी पब्लिक वहाँ पर जा रही है। और यहाँ से हमको शिवलिंग दिखना चालू हो गया, मंदिर देखना चालू हो गया, क्योंकि हम मंदिर से मात्र हार्डली से हार्डली 100 मीटर की दूरी में है। पाताल भैरवी माता जी का जो मंदिर है उसको शिवलिंग के आकार में बनाया गया है। देख सकते हैं, और इसी शिवलिंग का आज होने वाला है अभिषेक। ये देख सकते हैं आप, ये जो आपको सामने शिवलिंग दिख रहा है और इसी का नाम है पाताल भैरवी माता जी का मंदिर यहाँ पे है, और इसी का आज होने वाला है महाअभिषेक। तो महाअभिषेक की पूरी तैयारी चलिए, देखते कितने टाइम में होता है यहाँ पे। अरे आवाज दिया, आवाज नहीं आ रहा है। इस कलश को क्रेन के माध्यम से पूरा उठाया जा रहा है और ऊपर, और इसी से पूरा अभिषेक होने वाला है। क्या बेहतरीन लग रहा है कलश, लाइटिंग वाइटिंग हो चुकी है इसमें, चालू हो चुकी है, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर। अब इसको बोलते हैं सजावट, अभी तक पूरा नीला नीला था, आप देख देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। इसको ऊपर ले जाया जा रहा है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ऐसा कुछ सिस्टम है। अंदर से पूरा खाली है और उसको पाइप के माध्यम से पूरा छेदा किया गया है, उसको चालू। जल्दी मैं चाहता हूँ जब बाबा भोलेनाथ के ऊपर कलश की जल की एक बूंद अगर बाबा की शिवलिंग पर पड़े तो आप सभी जोरदार जय घोष करेंगे। अरे राजनांदगांव का नाम विश्व के पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो? भाई डीजे के जो पीछे लोग खड़े हैं, भाई डीजे वाले प्लीज नीचे उतर जाइए, हाथ जोड़ के निवेदन है, यह कार्यक्रम आपका है और कार्यक्रम में अव्यवस्था ना फैलाएं। डीजे के ऊपर जो भी साथी चढ़े हैं, डीजे के ऊपर जो साथी चढ़े हैं उनसे मैं अनुरोध है भाई, ऐसा कुछ अभिषेक हो रहा है, ये देख सकते हैं ऐसा कुछ अभिषेक हो रहा है। वहां देखिए पानी पूरा पानी पी रहा है। जय भारत बैंड के साथियों से अनुरोध है, जय भारत बैंड के सभी साथी अपनी के भैया माइक देंगे, जल्दी माइक देंगे। सभी वॉलंटियर साथियों से मेरा अनुरोध है, मंच खाली कराएंगे, मंच खाली कराएंगे। वॉलंटियर साथियों से मेरा अनुरोध है, मंच खाली कराएंगे। राजा ऊपर जाओ, मंच खाली कराओ। यहाँ पर साथी से मेरा अनुरोध है, माइक जल्दी देंगे बैंड वाले को। बोलो बोलो भाई, शो स्टार्ट कर रहे हैं। हरे हरे महादेव। दूध शिवलिंग पर गिरते हुए चढ़ते हुए जब आप देखेंगे, मेरे यकीन मानिए बहुत
अद्भुत नजारा रहेगा। ताली बजाते हुए ताली के साथ कर्पूर देरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवामि चैतं नमामि भवं भवानि चैतं नमामि। छत्तीसगढ़वासियों का मंगल कामना है, प्रार्थना है, आप सबका सौभाग्य जो इस प्रांगण में खड़े होकर भगवान शिव के इस अभिषेक के साथ किए। विजय पांडे जी आपसे अनुरोध, गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।